हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्नेहा और आज हम लोगों को पढ़ना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक संकर संकरण या फिर एक जीन के वंशागति का ये टॉपिक है। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जेनेटिक टर्मिनोलॉजी पढ़ ली थी, तो अब हम लोगों इसमें बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी है ना उसमें ये बहुत बड़ा दिया हुआ है, बहुत लेंदी जो है टॉपिक दिया है, क्योंकि वहाँ पर जिस टॉपिक के बारे में उन्होंने बात की है एग्जैक्ट उसी टाइम पर उन लोगों ने उसका बेसिक चीज़ बताई है जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ ली है ना। तो जेनेटिक्स की जो बेसिक बातें होती हैं, बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, उसके बारे में हमने अगर पढ़ लिया है तो उसमें हमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, हम लोग इजीली समझ लेंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले तो एक जीन की वंशागति इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। टॉपिक क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, यानी कि एक संकर संकरण क्या होता है? एक संकर संकरण, वॉट इज़ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? तो देखो, एक मोनो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझो, मोनो, डाई और ट्राई। ठीक है, इन तीन चीज़ों को अगर बताओ आप तो मोनो का मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है। मोनो का मतलब होता है एक, है ना, मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब दो और ट्राई का मतलब तीन। यानी कि जब हम एक संकर यानी कि जब हम एक कैरेक्टर को लेकर एक कैरेक्टर की दो अलग अलग ट्रेट्स को लेकर जब हम वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तब हम उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक संकर संकरण। बात समझ में आई? यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे और उसकी दो ट्रेट्स को लेकर। ठीक है, उसके अलग अलग दो ट्रेट्स को लेकर, उसकी वेराइटीज को लेकर। कैरेक्टर के बारे में मैंने बता दिया था, ट्रेट्स के बारे में मैंने बता दिया था, तो अब हमें यहाँ पर ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रेड्स किस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, किसी एक कैरेक्टर की दो अलग अलग वेराइटीज को ही ट्रेड बोला जाता है। सिंपल। तो अब हम लोग समझते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे करवाया जाता है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखूँ कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखो, जब एक लक्षण के दो विपरीत रूपों को लेकर संकरण करवाया जाता है। ठीक है, संकरण ठीक है संकरण करवाया जाता है तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर देखो ऊपर क्या लिखा है, एक जीन के वंशागति यानी कि, तो जीन जो होता है, अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि जो जीन होता है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जीन, हिंदी में भी तो जीन ही बोलते हैं इसको, जीन वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सिंपल सी चीज़ है, कैरेक्टर के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग या फिर पुरजानी में जो ट्रांसफ़र करता है, कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र करता है वो किसकी हेल्प से? जीन की हेल्प से करता है। ठीक है, तो एक जीन के वंशागति, तो कैरेक्टर किस पे बेस्ड है? जीन पर, है ना, जीन पर ही तो उपस्थित है कैरेक्टर। तो जब हम एक जीन के वंशागति देखते हैं और कैरेक्टर के ही दो अलग अलग ट्रेट्स हैं, ठीक है, तो एक जीन के वंशागति यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम बात कर रहे हैं। कैसे होता है? तो देखो, थ्री मेथड है इसके। पहला तो हम सिंपल मेथड समझेंगे, सिंपल कैसा होता है, फिर हम उसके बाद पुनेट स्क्वायर समझेंगे, ठीक है, पुनेट वर्ग, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे टेस्ट क्रॉस कैसे करवाया जाता है। तो अब मैं यहाँ पर कैरेक्टर क्या लूँगी, कैरेक्टर यानी कि लक्षण, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो कैरेक्टर हमने लक्षण यहाँ पर लिया है, स्टेम हाइट,
तने की लंबाई, तने की लंबाई दिख रहा है ना यहाँ, तने की लंबाई ली हमने, ठीक है। तने की लंबाई को के दो अलग अलग ट्रेड्स हो सकती हैं, यानी कि एक टॉल होगा और एक शॉर्ट या फिर डॉल्फ, ठीक है। तो इसके दो ट्रेड्स होंगी, इसकी दो ट्रेड्स होंगी, यानी एक होगा टॉल और एक होगा ड्वार्फ। इसको हिंदी में लिख देते हैं लंबा और इसको बौना छोटू, ठीक है। अब हम करवाते हैं क्रॉस, यहाँ पर लिख देते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, एक संकर संकर संकरण। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर ले लिया हाइट का करेक्टर, मैंने हाइट का करेक्टर बता दिया, ठीक है। तने की लंबाई, हाइट उसकी कितनी है, तो उसकी दो ट्रेड्स हो सकती हैं, या तो एक लंबा होगा, ठीक है, एक हमने ले लिया जो लंबा है बड़ा, और एक है जो छोटा सा है बेचारा, ठीक है, शॉर्ट हाइट है उसकी बेचारी की, तो उसको हमने डॉर्फ बोल दिया। तने की लंबाई, तने की लंबाई सिंपल है, मैंने ये पहले भी आपको समझा दिया, ठीक है। तने की लंबाई हमने ली, एक ली हमने टॉल और एक हमने ले लिया ड्वार्फ, एक लंबा, ठीक है, और एक बौना। तो ये तो आ गए कैरेक्टर, ठीक है, ये हो गए पेरेंट, कौन हो गए पेरेंट, यानी कि जनक, पिता माता नहीं लिखेंगे। इसको हमने मान लिया ये मेल है, ठीक है, मेल को इस साइन से दर्शाते हैं और इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसको हमने मेल मान लिया, लंबा वाला जो है वो मेल है और बना वाला जो है वो फीमेल है, उसकी वाइफ है। अब हम इसमें क्रॉस करवा देंगे, हमने करवा दिया इसमें क्रॉस, क्रॉस करवाएंगे। अभी क्रॉस कहाँ से हो गया, अभी हम इसके गैमिट्स तो बना लें, तो गैमिट फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब बने हैं गैमिट्स, तो टॉल का जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसे होगा, ये क्या है उसकी गैमिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, कि मैंने यहाँ पर, अगर आप लोग कन्फ्यूज हो गए कि यहाँ पर डबल टी और यहाँ पर डबल टी क्यों है, डबल स्मॉल टी क्यों है, तो मैंने बताया था कि जो ह्यूमंस की अगर बात करें, ह्यूमन की, तो उसके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 का पेयर होता है, जोड़े होते हैं, यानी कि अगर मेरे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं तो उनमें से 23 क्रोमोसोम मेरी मम्मी से आए हैं और 23 मेरे पापा से आए हैं, यानी कि मेरे पास 23 का पेयर है, जोड़ा है। तो यहाँ पर भी अगर इसके पास 23 इसके फादर से आए हैं और 23 इसकी मदर से आए हैं, तो मतलब इसके पास पेयर है 23 का, ठीक है, पेयर है ना, जोड़ा है, तभी तो टोटल 46 होंगे। तो इस तरह से हमने डबल लिख दिया, ठीक है, यानी कि इस तरह से 23 + 23 हो गया ना 46, इस तरह से लिखा। यहाँ पर भी हम इसी तरीके से लिखते हैं। ये समझ में आया कि हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी क्यों लिखा, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, तो मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगी और टाइम वेस्ट अपना नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो इसमें अब गैमिट फॉर्मेशन होगा, अब होगा भैया इसमें गैमिट फॉर्मेशन, तो गैमिट्स बनेंगे, यानी कि इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे, ठीक है, मैं ही पढ़ा दूंगी। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, जो गैमिट्स हैं, ठीक है, यानी कि युग्मक जो होते हैं उनकी संख्या आधी हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है, यानी कि अगर यहाँ पर डबल टी है तो यहाँ पर सिंगल टी हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सेम कंडीशन यहाँ भी स्मॉल टी हो जाएगा, ठीक है। तो गैमिट्स क्या हो गया, गैमिट्स फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, ये क्या है, युग्मक है गैमिट्स। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी हो जाती है। अब हमने करवा दिया क्रॉस, अब हम करवाएंगे क्रॉस, ठीक है, यहाँ पे हमने क्रॉस करवाया, क्रॉस ये पेरेंट, ठीक है, पी जनरेशन, ठीक है,
पी जनरेशन, जनरेशन मत लिखो, पी लिखो सिर्फ। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, जब हमने इनका क्रॉस करवाया, तो जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो क्या क्या मिलेगा हमें रिजल्ट? ये मिलेगा, यही तो मिलेगा भाई। इन दोनों का क्रॉस करवाओ तो ये कंडीशन नहीं मिलेगी हमें, तो ये हो गई हमारी F1 जनरेशन, F1। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं प्रथम संतति पीढ़ी F1 जनरेशन। ठीक है, इतना समझ में आया? एक बार रिपीट कर देती हूँ अगर मतलब नहीं आया वो समझ में। तो देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने एक कोई कैरेक्टर लिया, क्योंकि हम एक जीन की वंशागति को समझ रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के दो ट्रेट्स को लेकर हम वहाँ पर क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। तो तन्नी की लंबाई ली मैंने, ठीक है, हाइट का कैरेक्टर लिया, जिसमें उसकी दो ट्रेट्स थी, एक टॉल और एक ड्वार्फ, ठीक है, लंबा और एक बौना, ठीक है। तो इसके फिर क्रोमोसोम्स होंगे कैपिटल टी, एलील्स मैंने बताए थे, एलील्स को हम किस तरह से, ये एलील ही तो हैं, है ना, जीन का थोड़ा सा पार्ट है, मतलब हमेशा याद रखना कि सभी जीन, मतलब सभी एलील्स जो हैं वो जीन होते हैं, लेकिन सभी जीन एलील्स हों ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए उसके क्रोमोसोम्स, ठीक है, पेयर में हमने लिख लिया। अब इसमें जब अर्धसूत्र विभाजन यानी माइटोसिस होगा, तो इसके क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाएगा, अर्धसूत्र विभाजन द्वारा जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी हो जाती है, ठीक है। तो आधी हुई तो ये नंबर हाफ हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल टी, सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर सिंगल टी, ठीक है, स्मॉल टी। अब हमने इसका क्रॉस करवाया तो हमें ये कंडीशन मिली। अब हमेशा याद रखना कि F1 पीढ़ी में, F1 संतति में हमें सारे के सारे पौधे कैसे मिले, सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, ठीक है। इसको आप बुक में या फिर कहीं और भी आपको ऐसे भी दिख जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। तो वहाँ पर जब क्रॉस करवाया था, ठीक है, तो इसकी दो अलग अलग बना दी थी, टी और टी, और इसकी भी दो अलग अलग बना दिया थी, इसको टी और स्मॉल टी, ठीक है, अलग कर दिया था हमने गैमेट्स को। जब हमने इसका क्रॉस हमने इससे करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका हमने इससे करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इसका हमने इससे करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका हमने इस वाले से करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आया मैंने यहाँ पर किया क्या है? अगर कन्फ्यूज़ हो गए हो आप लोग तो एक बार समझना कि मैंने इस कैपिटल टी को जब मैंने इस स्मॉल टी से क्रॉस करवाया, तो देखो लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ आई और ये सारी लाइन यहाँ पर आई, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी कंडीशन बनी। सेम कंडीशन यहाँ पर मैंने इसका क्रॉस किस में करवाया, इस वाले से करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस, ठीक है, फिर मैंने क्या करवाया, इस वाले का क्रॉस इससे करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस वाले का क्रॉस इससे करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि सारे के सारे जो पौधे हमें मिले हैं वो सारे कैसे मिले हैं, टॉल यानी कि लंबे प्राप्त हुए F1 जनरेशन में। ये क्या है, F1 जनरेशन है, F1, ठीक है, F1 यानी प्रथम संतति पीढ़ी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो सारे के सारे टॉल हुए। तो अगर यहाँ पर हम सम युग्म जी और विषम युग्म जी में रेशियो निकालें, ठीक है, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस में, तो रेशियो यहाँ पर क्या मिला, सारे टॉल मिले, ठीक है। तो टॉल और डॉर्फ का निकाल लें अगर हम पहले, डॉर्फ लंबा और बौना, इसका रेशियो निकालें, तो कितने प्लांट्स लंबे हैं, चारों को चारों, पूरे तो प्लांट्स हमें लंबे मिले ना। क्यों लंबे मैंने यहाँ पर क्यों बोला, क्योंकि मैंने पहले भी बताई थी, एक बार रिपीट कर देती हूँ कि अगर दोनों एलील्स में से एक प्रभावी है, एक डोमिनेंट है, तो अपना प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि एक तो प्रभावी है ना, एक हो या ना हो, अगर दोनों में से अगर एक भी प्रभावी हुआ तो वहाँ पर प्लांट्स जो है वो टॉल बनेंगे, ठीक है। अगर दोनों के दोनों टी होते तब ये कंडीशन आती कि वहाँ पर हमें डॉर्फ देखने को मिलता, ठीक है। तो लंबा तो कितने, 4 रेशियो, बौना 0, तो यहाँ पर रेशियो कितना निकला, 4:0। समयुग्मजी और विषम युग्मजी की, ठीक है। तो समयुग्मजी की अगर कंडीशन देखें तो यहाँ पर कौन सा एलील आपको दिख रहा है जो सेम है दोनों के दोनों, दोनों ट्रेट्स उसके दोनों के दोनों एलील जो हैं वो सेम है, कोई दिख रहा है? सभी तो हेटेरोजाइगस दिख रहे हैं, सभी तो विषम युग्मजी दिख रहे हैं हमें। तो यहाँ पर समयुग्मजी का जो रेशियो मतलब जो आता है तो वो हो गया 0, और विषम युग्मजी का कितना हो गया,
फोर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन हमने देख ली, ठीक है। इसको बोलते हैं होमोजाइगस और इसको हेटेरोजाइगस। अब हमें निकालनी है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के लिए हम क्या करवाते हैं, सेल्फ ब्रीडिंग या फिर सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, ठीक है। स्वपरागण, स्वपरागण। यहाँ पर प्योर प्लांट लेते हैं हम लोगों ने, ठीक है। प्योर प्लांट लिख लेना, तने की लंबाई, प्योर प्लांट, प्योर प्लांट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें मिली थी F1 जनरेशन में ये कंडीशन मिली थी, हमें मिली थी ना ये कंडीशन, तो मिली थी। इसको हमने बोला था F1 जनरेशन, यानी कि प्रथम संतति पीढ़ी। अब मैं आगे F1 ही लिखूंगी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर तो लिख दिया तो छाप लेना। तो F1 जनरेशन, ठीक है। अब इसके हम गैमेट फॉर्मेशन करेंगे, तो हम फिर से हम इसको देखो, हमें सेल्फ ब्रीडिंग करवानी है, इसकी सेल्फ ब्रीडिंग करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर हम इसमें फिर से करवाएंगे ना, सेल्फ ब्रीडिंग करवा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन लिख लो, ठीक है। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, स्वपरागण, 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 ठीक है। इसके गैमेट्स बनेंगे जब, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बनेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। हेटेरोजाइगस कंडीशन है ना, दोनों के दोनों एलील जो हैं वो डिफरेंट है, डिफरेंट है ना, तो यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन ही हो रही है। अब हम करवाएंगे क्या, क्रॉस करवा देंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो अगर हम इसका इससे करवाएं तो क्या कंडीशन बन रही है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी मिला ना। तो अब हम इसका, अब हम करवाएंगे इस वाले से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया, ठीक है। फिर से फादर आ गए उसके, चलो इसका करवाएं अब, इसका इससे करवा दें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका अगर इससे करवा दें तो स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर देखो क्या कंडीशन दिख रही है, इसको हम बोलेंगे F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, द्वितीय संतति पीढ़ी लिख लेना हिंदी में, ठीक है। चलो लिख देते हैं द्वितीय संतति पीढ़ी। बताओ, अच्छा मुझे क्या कंडीशन यहाँ पर मिली, यहाँ पर ये लंबा बनेगा, ये टॉल है, ये भी टॉल बनेगा, क्योंकि एक तो प्रभावी है एक तो डोमिनेंट है, ये भी टॉल बनेगा, ये भी टॉल बनेगा, लेकिन ये देखो ड्वार्फ बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर हमें देखने को मिल गया ड्वार्फ, ठीक है। देखो नियम अभी हम लोगों को नहीं पढ़ने, सेकंड वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी नियमों के बारे में ही। तो प्रथम मतलब पहला और सेकंड वाला जो लॉ है वो इस पर बेस्ड है, लेकिन थर्ड वाला जो लॉ है ना, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, वो आपका आ जाता है डाई, मतलब जब हम लोग द्विसंकरण संकरण करवाते हैं, ठीक है। त्रिसंकरण संकरण आपके में नहीं है, ठीक है, तो पढ़ना नहीं है आपको, इस तरह से करवाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कंडीशन मिली, यहाँ का रेशियो निकालें, रेशियो निकालते हैं, तो टॉल रेशियो ड्वार्फ निकालें, ठीक है। इंग्लिश में लिखना मुझे मतलब जल्दी लिख जाता है ना, तो इसलिए मैं इंग्लिश में यहाँ पर लिख रही हूँ, अगर हिंदी में देखना है तो पीछे देख लो, इसको लंबा बोलेंगे इसको बोला बोलेंगे। तो टॉल कितने हैं, एक दो तीन थ्री, ड्वार्फ कितना है एक है तो वन, ठीक है। ये हमने किस बेस पे किया, उसकी फिनोटाइप, फिनोटाइप के बेस पर, ठीक है। पिछली मतलब पीछे भी हम लोगों ने देखा तो फिनोटाइप के बेस पर देखा था हमने, ठीक है। फिनोटाइप, फिनोटाइप रेशियो इसको बोलते हैं, ठीक है। फिनोटाइप रेशियो यानी कि दृश्य, दृश्य प्रारूप अनुपात, हाँ दृश्य प्रारूप, दृश्य प्रारूप अनुपात, ठीक है। तो क्या निकला हमारा, दृश्य प्रारूप अनुपात, फिनोटाइप रेशियो क्या मिला, 3:1। अब हम इसका निकाल लेते हैं जीनोटाइप, जीनोटाइप रेशियो निकाल दें, जीनोटाइप यानी कि दृश्य प्रारूप, इसको जीन प्रारूप, जीन प्रारूप इसका रेशियो निकालो। तो देखो
क्या कंडीशन बन रही है जीनोटाइप में, ये दोनों ये क्या है, समयुग्मजी है, ठीक है, होमोजाइगस है। यहाँ पर देखो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की कंडीशन देखते हैं हम, है ना। तो होमोजाइगस में देखो ये हमें जीन प्रारूप में हमें इस तरह से देखना है, कैपिटल टी इसका अनुपात देखना है हमें, और स्मॉल टी तो कैपिटल टी कितने हैं टॉल के ना, कैपिटल टी कितने, इसको मत देखो, नीचे वाले को मत देखना, सिर्फ ऊपर वाली कंडीशन को देखो, एलील्स को देखो। तो ये क्या है, एक है, एक है, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी कितने हैं, दो हैं, ठीक है, 1:2, और स्मॉल टी 1 है, ठीक है। तो जीनोटाइप रेशियो हमारा हो गया 1:2:1, और फिनोटाइप रेशियो हो गया हमारा 3:1, ठीक है। रेशियो निकाला है, समझ में आ गया होगा F1 और F2 जनरेशन कैसे आई, ठीक है, आई होप आई होगी समझ में कि कैसे निकाली मैंने। अब हम लोग को पढ़ना है पुनेट वर्ग स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पुनेट वर्ग पढ़ते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। यानी कि ये बताता है कि F1 जनरेशन में, मतलब जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में नहीं आया, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा छुपा रहेगा, वो उसकी कंडीशन है कि वो F1 जनरेशन में क्यों नहीं दिख रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो वो अगली पीढ़ी में, यानी कि या अगर F2 में नहीं दिख रहा है, अगर F2 में भी नहीं दिखा तो ज़रूरी नहीं है कि F2 में नहीं दिखेगा, वो F3 में दिखेगा, F4 में दिखेगा। इससे अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन, अगर सेल्फ ब्रीडिंग उसकी करवाती जाएंगे, ठीक है, सौ प्रकरण अगर हम करवाते जाएंगे, तो फिर से वो कंडीशन जो है वो बिल्कुल आएगी, ठीक है, फिर वो जो कैरेक्टर है ज़रूर दिखेगा हमें डॉर्फ वाला। तो देखो F2 में हमें डॉर्फ मिल गया। अब इसी चीज़ को हम स्क्वायर की हेल्प से समझेंगे, ठीक है, पुनेट सर ने हमें बताया था, ठीक है। तो अब हम क्या समझते हैं, पुनेट स्क्वायर, ठीक है। तो किसने की इसकी खोज, ठीक है, नाम भी इन्हीं से मिलता जुलता है। तो ब्रिटिश, यहाँ पे एक दो पार्ट लिख लेना, ठीक है, ब्रिटिश ब्रिटिश जेनेटिस्ट ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे एक, ठीक है, इनका नाम था, ब्रिटिश के रहने वाले एक जेनेटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था रेजिनाल्ड पुनेट, ठीक है, रेजिनाल्ड पुनेट। इन्होंने बताया कि हम लोग ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ हम लोग क्या करेंगे, हम इस चीज़ को दर्शाएंगे, क्योंकि वो भैया मैथ भी लिए थे, है ना। तो मैथमेटिक्स का उन्होंने यूज़ किया, और उन्होंने कहा कि हम एक स्क्वायर बनाएंगे और सेम चीज़ हम वहाँ पर करेंगे, किस चीज़ को, तो उन्होंने ज़रूरी नहीं है। तो देखो मेंडल जो थे, मेंडल ने भी क्या किया कि उन्होंने जब क्रॉस, मतलब उन्होंने क्रॉस करवाया था, तो इस चीज़ को फिर से एक प्रणाली के द्वारा, कि मतलब उन्होंने सही चीज़ की रिजल्ट हमें अगर सेम मिल रहे हैं, तो इसीलिए हमने ये जो विधि है वो अपनाई, ठीक है, पुनेट स्क्वायर। तो रेजिनाल्ड पुनेट थे, इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, इसी चीज़ का सचित्र वर्णन करेंगे, किसके द्वारा, स्क्वायर बनाकर। तो चलो स्क्वायर बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, स्क्वायर में हम क्या करेंगे कि हम एक साइड, रॉ साइड हम क्या लेंगे, मेल गैमेट्स को ले लो, ठीक है, और एक साइड ले लो फीमेल गैमेट्स को, ठीक है। और मेल और फीमेल हमने किस चीज़ को माना था, किसी को भी हमने मतलब ऐसे रैंडमली बोल दिया था कि इसको हम मेल बना रहे हैं, इसको फीमेल बना रहे हैं, है ना, यहाँ पर किसी प्लांट में। तो चलो कैसे क्या, उन्होंने बनाया स्क्वायर, इस तरह से। यहाँ पे मैं जगह इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि इसी की चीज़ हम लोग बगल में बनाएंगे, ठीक है, नीचे बनाऊंगी तो कितना मतलब स्पेस नहीं रहेगा उतना। तो उन्होंने क्या किया, स्क्वायर ऐसे तो होता है चार भुजाएं समान, तो उन्होंने कहा यहाँ पर तुम ले लो मेल, यहाँ पर ले लो मेल, और यहाँ पर ले लो फीमेल वाले, ठीक है, रो वाले में आप फीमेल को ले लो, और कॉलम में, ठीक है, साइड वाले कॉलम्स में आप ले लो मेल को। तो यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पर हमने एक कंडीशन ले ली, एक कैरेक्टर ले लिया, एक कैरेक्टर की ट्रेट ले ली,
टॉल, क्योंकि हाइट ही को लेकर देखो पूरी चीज़ में आपके इस चैप्टर में मतलब हाइट को लेकर बेसिकली है, तो हाइट को ही हम समझेंगे। वैसे बताया तो उन्होंने 7 कैरेक्टर्स थे लेकिन हाइट का यहाँ पर दिया हुआ है, तो हाइट के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर हमें नहीं जाना है। तो टॉल का अगर हम लोग इसके गैमेट्स देखें तो टी और स्मॉल टी है ना, और हम डॉर्फ को देखें यहाँ पर हम डॉर्फ कर देंगे। इंग्लिश समझ में आ रही है ना, लंबा और यहाँ पर बोना, यहाँ पर हम स्मॉल टी और स्मॉल टी ले लेंगे। अब क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस कैसे करवाएंगे हम, इस टी का इस टी से क्या करेंगे हम क्रॉस करवाएंगे तो क्या कंडीशन आएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, ये कंडीशन आएगी ना। अब इस टी का इस टी से करो तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इस वाले टी का इस टी से करो तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, और इस टी का इस वाले टी से करो तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। ये हमारी हो गई F1 जनरेशन, F1 जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी। बात समझ में आई, ये आ गई हमारी फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसका करेंगे F2 जनरेशन निकालेंगे, यानी कि अब हम इसमें करवाएंगे सेल्फिंग या फिर स्वपरागण, खुद से इसका परागण करवा देंगे, स्वपरागण की क्रिया हम इसमें करवा देंगे। हमने करवा दिया, अब इसमें सेल्फिंग करवा दी तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, उसी चीज़ को समझ रहे हैं, सेम चीज़ है, ठीक है, समझने पर है, बस बहुत इजी है। तो वो इस चीज़ में भी तो हमें कहाँ टाइम लगा, बिल्कुल नहीं लगा ना, तो मतलब हम उस टाइप से भी कर सकते हैं, इस टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है, इजी समझ में आ गया। अब हमने जब इसमें सेल्फिंग करवाई तो क्या होगा, यहाँ पर भी सेम ऐसा ही डिब्बा बना लो, ये बना लिया, सेल्फिंग हम करवाएंगे तो यहाँ पर हम ले लेंगे क्या, यहीं पर बना दूँ, चलो यहाँ पर बना देंगे। तो हमने एक ले लिया कैपिटल टी और एक ले लिया स्मॉल टी, यहाँ पर हमने फीमेल को ले लिया और यहाँ पर हमने लिया मेल को, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ना कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये गैमेट्स हैं। अब इस टी का इस वाले इस टी का इस टी से करूँ तो क्या बनेगी कंडीशन, ये बनेगी, बनेगी ना। अब इस टी का इस वाले टी से करूँ तो ये बनेगी कंडीशन, इस वाले टी की इस टी से करो क्रॉस तो ये कंडीशन बनेगी, और इस टी का इससे करो तो ये कंडीशन बनेगी। इसको हम बोलेंगे F2 जनरेशन, जनरेशन, ठीक है, द्वितीय पीढ़ी, ठीक है। F1 जनरेशन बोल सकते हो, F1 प्रोजेनी बोल सकते हो। अब हम इसका निकालेंगे रेशियो, रेशियो निकालें, ठीक है, कहाँ निकालें, यहाँ निकालते हैं। तो इस वाले का रेशियो निकालो, प्रथम पीढ़ी में हमें क्या देखने को मिला, सारे के सारे लंबे मिले, ठीक है, तो वही रेशियो आएगा। देखो लंबे और बौने का निकालें, लंबा और रेशियो बौना, यानी कि टॉल और टॉल रेशियो डॉर्फ, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का निकालें अगर, तो लंबे कितने हैं, चारों के चारों लंबे हैं, बौना एक भी नहीं है, तो ज़ीरो हो गया, ठीक है, ये हो गया फिनोटाइप, फिनो टाइपिकल रेशियो, ठीक है, रेशियो। अब इसका हम जीनोटाइप निकालें, जीनोटाइपिकल निकालें, तो हमें जीनोटाइप क्या निकालेंगे हम इसका, कि इसमें कैपिटल टी कितनी है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी है, और स्मॉल टी कितनी है, ठीक है, ये कितनी है, तो कैपिटल टी कितनी है इसमें, ज़ीरो, और ये कितनी है, फोर, और स्मॉल टी ज़ीरो है, ठीक है, तो इसका भी सेम ऐसा ही आएगा, फेनोटाइपी और जीनोटाइप। यहाँ समझ में आया, ठीक है। एफ टू जनरेशन में देखें, अब एफ टू जनरेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, देखो यहाँ पर अगर हम निकालें तो अगर फिनोटाइप निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 3:1, वही का वही आएगा, ठीक है। अगर फिनोटाइप निकालें, टॉल कितने हैं और डॉर्फ कितने हैं, टॉल कितने हैं,
रेशियो डॉर्फ डॉर्फ, ठीक है, कितने लंबे हैं और कितने बौने हैं। यहाँ पर दिख रहा है, ये मैंने कहाँ लिखा है, यहाँ पे और ऊपर लिखती हैं। तो फिनोटाइप दृश्य प्रारूप जो कि बाहर से दिख रहा हो, तो वो कितने हैं, देखो टॉल ये भी बनेगा, टॉल ये भी बनेगा और ये भी टॉल बनेगा, लंबा बनेगा, तो लंबे का जो रेशियो है वो कितना होगा, 3, और डॉर्फ 1 बनेगा, तो ये हो गया फिनोटाइप। जीनोटाइप निकाली तो कैपिटल टी, एक मिनट, यहाँ पर कैपिटल टी भी तो बनना चाहिए था, कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी आएगा, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, इसीलिए वहाँ पर रेशियो 0:4 ऐसे कुछ आ रहा था, नहीं वहाँ पर तो ठीक था, ठीक है, तो कैपिटल टी आ गया, तो यहाँ पर रेशियो कितना आएगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी का निकालेंगे तो 1:0, और स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी का निकालेंगे तो 2, ठीक है, 1 और 2, ये कितने हो रहे हैं, 1 हो रहा है, और ये इन दोनों के देखो तो ये 2 हैं और ये भी 1 है, तो फिनोटाइप भी निकल आया और जीनोटाइप भी निकल आया, बात समझ में आई, ठीक है, रेशियो हमने निकाल लिया, तो इसको बोलते हैं पुनेट वर्क। अब एक और देखो, उसी इसी चीज़ पर है बेस्ड, एक फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग जब करते हैं, फॉर्मूले से कैसे करते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने टॉल लिया, अगर आप लोग और भी देखो, अगर आप कलर शीट कलर को लेना चाहो, फ्लावर कलर को लिखो, ठीक है, तो इस चीज़ों को भी लेकर अगर आप क्रॉस करवाते हो तो कंडीशन सेम मिलेगी वहाँ पर, ठीक है, लेकिन टॉल वाला यहाँ पर दिया है लंबाई का, हाइट वाला कैरेक्टर यहाँ पर लिया है, तो हम बाकी सारी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बस हम लोग को अभी क्रॉस टेस्ट में हमें बस एक ही चीज़ को लेना है वहाँ पर, फ्लावर कलर को, ठीक है, वाइट को और वहाँ पर रेड को, तो फॉर्मूले की हेल्प से करते हैं, फॉर्मूला क्या है, पहले हम करते हैं इससे, AX+BY इज इक्वल, ठीक है, स्क्वायर कर दिया इसका होल स्क्वायर, तो ए और एक्स ये कंडीशन जो है वो डोमिनेंट के लिए, प्रभावी के लिए, और ये कंडीशन जो है वो क्या है, अप्रभावी के लिए है, ठीक है, बात समझ में आई, तो अब इनके मान रखेंगे, मान कैसे रखेंगे, अगर जो डोमिनेंट वाला है वो क्या था, कैपिटल डी था, और रिसेसिव वाला जो था वो स्मॉल डी था, ठीक है, जो अपना जो लक्षण है वो प्रदर्शित नहीं कर रहा था, यही तो हमने सीखा था अभी, है ना, तो कंडीशन हमें देखने को क्या मिल रही थी, पहले वहाँ पर देखो हमें कंडीशंस क्या मिली, कि वहाँ पर जो 4 प्लांट्स बन रहे थे उनमें से अगर हम जीनोटाइप देखें, जीनोटाइप की अगर बात करें, जीनोटाइप रेशियो अभी निकालेंगे हम लोग इसी फॉर्मूले से, ठीक है, तो वहाँ पर हमें कंडीशन मिल रही थी कि टोटल 4 प्लांट्स मिले थे हमें, कितने, 4 प्लांट्स मिले थे, जिनमें से 4 में से एक था जो कि कैपिटल टी था, ठीक ना, 4 में से एक ऐसा प्लांट था जो कैपिटल टी था, रेशियो 4 में से 2 थे जो कैपिटल टी स्मॉल टी थे, और 4 में से 1 थे जो कि स्मॉल टी थी। अब ये रिजल्ट हम निकालेंगे किससे, इस वाले फॉर्मूले से, कि ये आ रहा है या नहीं, ठीक है, तो चलो हम निकालते हैं, तो अब ए यहाँ पर हमें निकालना है डोमिनेंट, इसको प्रभावी, यहाँ पर हम प्रभावी रखेंगे, यहाँ पर अप्रभावी को रखेंगे, अप्रभावी, ठीक है, बात समझ में आई, तो देखो मान लो कि 2 में से 1 बन रहे थे टी, ठीक है, जब 4 में से 1 बन रहे थे, मतलब टी बन रहे थे, तो मतलब कि 2 में से 1 बन रहा होगा टी, है ना, मतलब आधे बन रहे थे टी, स्मॉल टी है, प्लस हाफ बन रहे थे स्मॉल टी, ठीक है, इसका हमें करना है स्क्वायर, हमने रख दिया मान, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको अगर हम स्क्वायर हटाएं तो ये कंडीशन आएगी 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी इनटू, ठीक है, 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी, ठीक है, अभी इसको हटा दो, ये निकालना है ना हमें, हमें क्या निकालना है, अच्छा इसको यहाँ से लिखो, हमें
हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1/2, 1/4 कैपिटल टी रेशियो 1/4 2/4 कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो और 1/4 स्मॉल टी ये चाहिए हमको, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे अगर तो 1/4 1/2 हाँ स्क्वायर करेंगे सॉरी, ठीक है। अब इसके स्क्वायर करेंगे तभी तो हो जाएगा इसका डबल, तो 1/2 ठीक है। तो हाफ कितने थे, 1/2 टी था प्लस 1/2 स्मॉल टी, इसका हम करेंगे स्क्वायर, होल स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसको जब हम इसको स्क्वायर हटाएंगे इसका, तो 1/2 टी प्लस 1/2 स्मॉल टी, ठीक है, इसका इनटू करेंगे 1/2 टी प्लस 1/2 स्मॉल टी, ये कंडीशन जाएगी। अब इसका मल्टीप्लाई करो, तो इस वाले का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, फिर इसका हम इस पूरे में करेंगे, तो इसका करेंगे तो 1/4 आ जाएगा कैपिटल टी आ जाएगा, ठीक है। 1/4 कितना आ जाएगा कैपिटल टी प्लस, अब इसका करेंगे हम इसमें तो 1/4 आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। 1/4 कितना आ जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी प्लस, अब हम इसमें करेंगे 1/2 स्मॉल टी का करेंगे इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा 1/4 कैपिटल टी और स्मॉल टी प्लस, और इसका करेंगे इसमें तो 1/4 स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। ये समीकरण एक हो गया, ठीक है, समीकरण एक हो गया, समझ लो इक्वेशन है वन, फिर इक्वेशन का लिखो यहीं पर सॉल्व हो जाएगा ये, तो ये हमें इतना मिल गया समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कितने हैं, 1/t एक ही है, ठीक है, तो 1/4 कैपिटल टी प्लस, इनको अगर प्लस करेंगे तो देखो 4 जो है वो कॉमन आ जाएगा, 1 और 1 2 और ये कितने, ठीक है, कितने आ रहे कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 कितना आ गया स्मॉल टी आ गए ना, वही कंडीशन देखो वही आंसर आया। तो हम इसकी हेल्प से भी, इस फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मैथ का कहा था ना कि ये मतलब यही यूज़ किया था उन्होंने, यही प्रयोग किया था मैथ का, तो इसीलिए वहाँ के जो साइंटिस्ट थे वो नहीं समझ पाए थे। इसके अलावा हम एक और फॉर्मूले की हेल्प से समझ सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर उससे समझो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ए की जगह हम रखेंगे टी को, टी प्लस, और बी की जगह हम स्मॉल टी को का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर भी टी प्लस टी इंटू टी प्लस स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें समीकरण मिलेगा वो ये होगा, देखो टी टी प्लस, और टी का इसमें करेंगे टी स्मॉल टी प्लस, इसका इसमें करेंगे टी प्लस टी प्लस स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो यानी कि हमें जो समीकरण मिलेगा, देखो हम समीकरण क्या मिलेगा हमें, टी और टी प्लस, ये देखेंगे तो हम इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, टू टी कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस तरह से लिख सकती हूँ ना, है ना, प्लस स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये क्वेश्चन हो गई, मिल गया आंसर। कैसे मिल गया, टी कितना बन रहा है, टी का अगर बताऊँ मैं जीनोटाइप इसका निकालो तो टोल कितने बन रहे हैं, 1 और 2 2 और 1 3 रेशियो 3 रेशियो और 1, तो फिनोटाइप निकल आया, फिनोटाइप निकल आया ना, कितने बन रहे हैं वहाँ पर 3 रेशियो 1 आ गया। देखो कैपिटल टी एक प्रभावी हो एक अप्रभावी हो, लेकिन फिर भी अगर एक प्रभावी है तो वो लंबा ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं, 2 है ना, 2 और 1 ये हो गया, तो प्लस इसको करेंगे तो ये 3 हो जाएंगे, यानी ये कितने हैं, ये दोनों लंबे हैं और ये जो है वो बौना है, तो लंबे कितने हैं 3 और बौना है 1। जीनोटाइप देखें तो टी यहाँ पर कितना है 1 है, और कैपिटल टी और स्मॉल टी कितने हैं 2 हैं, और रेशियो दोनों के दोनों
तो ये भी स्मॉल d 1 है, तो ये रेशियो निकल आया। बस यही था, फॉर्मूले की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। आगे समझ में? बस अब एक लास्ट चीज़ हम समझ लेते हैं, क्रॉस टेस्ट क्या होता है। ठीक है, क्रॉस टेस्ट कैसे करवाते हैं? तो वो ये होता है कि अगर फिनोटाइप कोई लंबा है, फिनोटाइप मतलब दृश्य, अगर हम फिनोटाइप अगर हमें पता है तो उसका जीनोटाइप कैसे याद करेंगे? तो जीनोटाइप याद करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है कि हमें डोमिनेंट वाले को रिसेसिव वाले के साथ हमें वहाँ पर क्रॉस करवा देना है। बस इतनी सी चीज़ हमें समझ में है। ठीक है, तो फॉर्मूला वाला समझ में आ गया? ठीक है, फॉर्मूले वाले समझ में आ गए? टेस्ट क्रॉस, ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस कि अगर कोई फिनोटाइप मतलब कोई अगर लंबा दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था, हाल ही में मैंने बताया था कि अगर कोई बाहर से लंबा दिख रहा है तो हम कैसे पता करेंगे उसका जीनोटाइप कि क्या है? ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस की हेल्प से हम लोग पता करेंगे। ठीक है, और इसमें आपका जो कैरेक्टर दिया है वो चेंज हो गया है, इसमें हम डॉल को नहीं देखेंगे, इसमें हम देखेंगे फ्लावर कलर को। और हमेशा रखना, फ्लावर कलर में हम वाइट को जो है प्रभावी लेंगे, वाइट को, वाइट फ्लावर को डोमिनेंट लेंगे, यानी प्रभावी। क्यों? क्योंकि जो बैगनी कलर बनता है फ्लावर का, जो बैगनी कलर आता है वॉलेट, वो किसकी वजह से? उसका कारण होता है वाइट फ्लावर। ठीक है, वो वाइट फ्लावर के प्रभाव की वजह से ही पर्पल होता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखो, टेस्ट क्रॉस में हम प्रभावी दृश्य प्रारूप को क्या करते हैं, प्रभावी दृश्य प्रारूप को अप्रभावी जनक के साथ संकरण करवाते हैं। ठीक है, जनक के साथ क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस या फिर संकरण, क्रॉस करवाते हैं। तो देखो, फ्लावर कलर हम लेंगे, फ्लावर कलर लिया हमने, यानी पुष्प का रंग। क्या था पुष्प का रंग? एक रेड और एक वाइट हो सकता है, जिसमें रेड था प्रभावी और वाइट था अप्रभावी, लेकिन हम जो फ्लावर में पर्पल कलर आता है वो वाइट को जैसे, इसलिए हम वाइट को प्रभावी समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पुष्प का रंग वाइट, ठीक है, और ये होगा कंडीशन। ठीक है, डब्लू, तो अगर बाहर से कोई फ्लावर पर्पल दिखाई दे रहा है तो उसकी दो कंडीशन हो सकती हैं कि यहाँ या तो वो होगा, दोनों के दोनों उसके एलील जो हैं वो कैपिटल होंगे, कैपिटल डब्लू होंगे, और या तो दोनों यानी दोनों ऐसे होंगे, एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल एलील होगा, ये दो कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, कि अगर कोई बाहर से बैग नहीं दिखाई दे रहा है, वॉलेट अगर दिखाई दे रहा है वो। ठीक है, तो चलो अब हम करवाते हैं क्रॉस, पुनेट वर्ग की हेल्प से ही देखेंगे। ठीक है, वहाँ पर स्क्वायर बना कर देखेंगे। तो वहाँ पर देखो ऐसी कंडीशन बनी हुई है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस, तो मुझे थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, हम कैसे देखेंगे कैसे समझेंगे। अच्छा ठीक है, पहले ये हमने बना दिया स्क्वायर। ठीक है, चार डिब्बे बना दिए, इसमें चार डिब्बे बना दिए, यहाँ पर ले लूँ, यहाँ पर हमने डोमिनेंट वाला ले लिया, यहाँ पर ले लिया हमने फादर और यहाँ पर मदर को ले लिया। ठीक है, तो देखो एक कंडीशन क्या हो सकती है, ये है मान लो फ्लावर, ये फ्लावर और ये है पर्पल, पर्पल कलर का है। ठीक है, बैंगनी रंग का है, तो ये दो कंडीशन में हो सकता है, या तो टी और कैपिटल टी, सॉरी टॉल वाला, वो कंडीशन ही मतलब पूरे हम लोगों ने टॉल का ही था ना, तो इसीलिए वही कंडीशन आ रही है बार बार। तो डब्लू या फिर दोनों के दोनों कैसे हो सकते हैं, कैपिटल हो सकते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों कैसे हो सकते हैं, कैपिटल हो सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर लिख लो कैपिटल या फिर स्मॉल होंगे, और एक कंडीशन होगी जिसमें वो कैपिटल होंगे, दोनों के दोनों कैपिटल होंगे, है ना। तो हमें क्या करवाना है, दोनों को
हमें करवाना है वो यहाँ पर आएगा स्मॉल, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल लिख लो और यहाँ पर कैपिटल वाला लिख लो, ठीक है। या तो दोनों अलील सेम होंगे, दोनों के दोनों अलील जो हैं वो कैसे होंगे, होमोजाइगस होंगे या फिर हेटेरोजाइगस होंगे, ठीक है। तो हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन देख लेते हैं, होमोजाइगस वाली कंडीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम गैमेट लेते हैं कैपिटल कैपिटल, और हमें इसे रिसेसिव वाले के साथ यानी अप्रभावी के साथ करवाना है, तो स्मॉल और स्मॉल, ठीक है, बात समझ भाई। सेम कंडीशन यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कैपिटल हो जाएगा एक स्मॉल हो जाएगा, है ना, यही तो है, और एक, और ये दोनों के दोनों स्मॉल हो जाएंगे। करवा दो क्रॉस, क्या होगा, क्रॉस कराएंगे हम, तो एक कैपिटल स्मॉल के साथ करवाएंगे तो कैपिटल स्मॉल बनेगा, इसको इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल स्मॉल बनेगा, इसको इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल स्मॉल बनेगा, और इसको इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल स्मॉल बनेगा, ठीक है। तो यानी कि सभी के सभी जो हमें मिल रहे हैं, सभी पुष्प कैसे हैं, सभी पुष्प बैगनी हैं, रिजल्ट हमको मिला ये रिजल्ट, ठीक है। सारे के सारे जो फ्लावर्स थे वो पर्पल हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अज्ञात अज्ञात पुष्प समयुग्मजी प्रभावी है। अगर हमें सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं वो अगर हमें टॉल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो अज्ञात पुष्प है, जो फ्लावर है, वो कैसा है, समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस है। होमोजाइगस यानी कि उसके जो दोनों के दोनों जो अलील है वो सेम है, तभी तो ये कंडीशन आ रही है ना, ठीक है। तो समझ में आया, ये कंडीशन कब होगी, अगर कोई बाहर से पुष्प, अगर सारे के सारे, ठीक है, 100% फ्लावर्स, 100% अगर फ्लावर्स टॉल हैं, सॉरी पर्पल हैं, तो यानी कि कारण क्या है कि दोनों के दोनों उसके जो अलील होंगे वो सेम होंगे, यानी कि समयुग्मजी होंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर करवाते देखो, तो कैपिटल को स्मॉल के साथ कराएंगे, कैपिटल स्मॉल, इसको इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल स्मॉल, इसको इसके साथ कराएंगे तो स्मॉल स्मॉल, इसको साथ, तो यानी कि रिजल्ट क्या निकला इसमें, रिजल्ट रिजल्ट कुछ पुष्प कैसे होंगे, बैंगनी, ठीक है, कुछ पुष्प बैंगनी होंगे, ठीक है, कुछ ही होंगे जो बैंगनी होंगे और कुछ नहीं होंगे, ठीक है, यानी कि कुछ लाल होंगे या फिर सफेद होंगे, है ना, ये तो है, रिसेसिव वाले होंगे, यानी कि अज्ञात अज्ञात पुष्प विषम युग्मजी है, यानी कि हेटेरोजाइगस है, विषम युग्मजी है। अगर नहीं आया समझो तो फिर से समझो कि अगर हमें क्या करना है, टेस्ट क्रॉस में हम क्या करवाते हैं कि डोमिनेंट वाले को रिसेसिव वाले के, यानी प्रभावी को अप्रभावी के साथ हम क्या करवाते हैं, क्रॉस करवा लेते हैं। अगर हमें किसी का क्या देखना है, जीनोटाइप देखना है, उसका जीन प्रारूप देखना है, ठीक है, कि किस जीन के कारण उसका कैरेक्टर आया है बाहर, तो अगर हम एक बार इस तरह से करवा के देखें, ठीक है, दोनों को दोनों हमने क्या किया, दोनों कैसे थे, तो पर्पल कलर दो कंडीशन हो सकता है, यानी कि दोनों एलील अगर होमोजाइगस हो या फिर दोनों के दोनों एलील जो है वो हेटेरोजाइगस हो यानी डिफरेंट हो। तो जब सेम वाली कंडीशन देखिए समयुग्मजी वाली में, तो चारों के चारों जो रिजल्ट हमें मिले, चारों के चारों जो फूल हमें मिले, पुष्प मिले, वो सारे के सारे कैसे थे, बैंगनी थे, यानी कि अज्ञात पुष्प समयुग्मजी प्रभावी, यानी समयुग्मज है उसका जो गैमेट है वो कैसे थे, समयुग्मज अलील कैसे थे, सेम थे। अगर इसके विपरीत होगा, ठीक है, तो दोनों अलील अगर डिफरेंट होंगे, अगर हेटेरोजाइगस यानी विषम युग्मजी होंगे, तो क्या होगा कि सभी के सभी विषम अलग बनेंगे, यानी कि 50% कैसे बनेंगे, पर्पल और 50% रेड या फिर व्हाइट बनेंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया, तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर क्या लिख लो कि कुछ पुष्प बैगनी और कुछ वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर लाइन आ गई, और कुछ सफ़ेद बनेंगे, सफ़ेद होंगे, ठीक है। तो ये टेस्ट क्रॉस भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अवलोकन,
तो पहला अवलोकन क्या है? पहला है प्रथम संतति पीढ़ी, यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है। F1 में सभी पौधे लंबे थे, ठीक है। सेकंड क्या है? F2 पीढ़ी में, अब आप लोग लिख लोगे F2 पीढ़ी यानी कि द्वितीय संतति पीढ़ी, ठीक है। सेकंड फिलियल जनरेशन, बस यहाँ पे फर्स्ट की जगह सेकंड आ जाएगा और प्रथम की जगह द्वितीय आ जाएगा, ठीक है। तो F2 पीढ़ी यानी कि द्वितीय पीढ़ी में 3/4 लंबे तथा 1/4 बोने पौधे प्राप्त, ठीक है, बोने पौधे थे, ठीक है। 4 में से 3 लंबे थे और 2 सेकंड पीढ़ी में, और 4 में से 1 जो था वो बोना था यानी कि ड्वार्फ था, ठीक है। तीसरा क्या है? फिनोटाइप रेशियो जो है F2 का वो क्या था? 3:1, ठीक है। और इसके अलावा जीनोटाइप लिख लो यहाँ पे, जीनोटाइप क्या था F2 का? 1:2:1, ठीक है। ये अवलोकन हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? पहला TT वास कैपिटल T स्मॉल T लंबे पौधे हैं तथा स्मॉल टी बोना पौधा है, सही बात है ना। जो डॉर्फ होने के लिए दोनों एलील जो हैं वो सेम होने चाहिए, यानी कि स्मॉल टी होने चाहिए। सेकंड क्या है? कैपिटल टी की 1 प्रति यानी कि अलील, ठीक है, अलील समझ लेना इसको, अलील 1 प्रति पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि, या फिर यद्यपि लिख लेना, यद्यपि स्मॉल टी है ना, जबकि बोनेपन के लिए दोनों प्रतियों का समान होना अति आवश्यक है। तो ये सच बात है, अगर दोनों एलील में से एक टी और एक स्मॉल टी हो गया, अगर होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्लांट लंबा हो जाएगा। लेकिन स्मॉल, अगर हमें डॉर्फ प्लांट चाहिए तो उसके लिए दोनों एलील का सेम होना यानी दोनों का स्मॉल टी होना ज़रूरी है, ठीक है, अति आवश्यक है। थर्ड क्या है? टी जैसे लक्षण प्रभावी और स्मॉल टी जैसे लक्षण अप्रभावी कहलाते हैं, अप्रभावी
कहलाते हैं। ओके, फिनिश हो गया। ठीक है, बस निष्कर्ष मैंने बता दिए। तो ये इसलिए कि अगर आप लोग लिखते हो तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आई होप एंड आई विश कि ये वीडियो जो है यूज़फुल होगी, समझ में आई होगी। तो इतना सफिशेंट है और ये बहुत ज़्यादा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, वन जीन। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन की वंशागति। तो इसके बाद हम लोगों को अब पढ़ना है मेंडल्स लॉ, फिर उसके बाद ही हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस को समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जब हम वो वाला थर्ड लॉ जब हम पढ़ेंगे तो उसके लिए यूज़फुल है, वो उसी में आएगा। ठीक है, और उसमें हम लोग देखते हैं राउंड यानी शेप को देखते हैं। ठीक है, शेप ऑफ फ्लावर, शेप ऑफ सीड। ठीक है, राउंड और रिंकल्ड वाला। तो चलिए बस इतना ही। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को। बाय बाय एंड टेक केयर।